नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है सुदेव एंड विशाखा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आए हैं साउथ गोवा में, एक मशहूर सा सी बीच है जिसका नाम है भेनोलिम बीच। ये कोलवा बीच का एकदम बगल में, विद इन 2-3 किलोमीटर्स रेंज ऑफ कोलवा बीच का पड़ता है। कोई प्लान नहीं था, अचानक से आ गए। बहुत ही क्लीन बीच है, गोल्डन सैंड है। तो रहिए वीडियो में, देखिए खूबसूरत नज़ारा, गोल्डन सी सैंड और उसके साथ डूबता हुआ सूरज। और बहुत क्लीन है बीच, बहुत नॉट लाइक मीरामार बीच। हम लोग मीरामार बीच में जाके हम लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुए थे, लेकिन यहाँ पे आके नहीं। यहाँ का बीच बहुत ही क्लीन है। दोस्तों, फरवरी में जब मेरा लंग ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पॉल्यूशन की वजह से और बहुत सारा कारण की वजह से कोलकाता छोड़ के गोवा में आ गए। लेकिन एक चीज आप बिलीव नहीं करोगे, ये समुन्द्र का फ्रेश एयर इतना सुकून मिलता है हमको कि मेरा एक लंग है नहीं, फिर भी मेरे को उतना तकलीफ नहीं हो रहा है यहाँ पे जितना मेरे को कोलकाता या दिल्ली या बड़ा शहर में होता था। तो बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आपको ट्रैंक्विलिटी में थोड़ी देर तक आप जाने चाहते हैं तो डेफिनेटली गोवा का हर एक बीच अच्छा है। ऐसा नहीं कि एक बीच खराब है, एक बीच अच्छा है। लेकिन आज भेनोलिम बीच हम लोग बहुत दिन बाद बीच का टूर किया। हाँ हाँ, और ये मेरा हम लोग का पहला ही साउथ गोवा में कोई बीच होगा। साउथ गोवा में पहला बीच हम लोग कवर कर रहे हैं आज भेनोलिम, वो भी शाम का वक्त। हाँ, ये प्रॉपर बीच है। मीरामार बीच बहुत छोटा था। हाँ, आप देख सकते हो सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। सवेरे बीच का नजरिया, बीच का ब्यूटी एक होता है, अर्ली मॉर्निंग आफ्टरनून में एक होता है, और अभी जब सनसेट हो चुका तो अभी कुछ नजारा और है। इतना सुंदर लग रहा है ना। और हम लोग का पीछे एकदम लाइन करके सब फिशिंग बोट्स खड़ा है। अक्टूबर का महीना है, वी आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अक्टूबर ऑलमोस्ट। तो अभी बाय अनदर 1 week और 2 weeks गोवा विल बी क्राउडेड। गोवा विल बी डांसिंग विद म्यूजिक एंड टूरिस्ट। क्रैब्स, छोटा छोटा क्रैब। दिखा था मुझे, रुको अगर दिखता है फिर दिखाती हूँ। जेट स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, फिर आपका उसको क्या बोलता है मोटर बोट में, स्कीइंग, ये वाटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग, फिर बनाना बोट राइड, सब कुछ यहाँ पे भी होता है। तो आएंगे एक दिन, वो भी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कवर करने का। तो आज फिलहाल शाम होने को जा रहा है, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो? हमको तो ये जगह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एकदम क्लियर वाटर। हाँ, एकदम क्लियर वाटर, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन है। दोस्तों, थोड़ा आगे एक फिशिंग बोट साइड थोड़ी देर पहले आए हैं, तो वहाँ पे कुछ भीड़ है, नेट्स वगैरह देखिए
वो लोग मछली निकाल रहे हैं। देखिए क्रैब चला गया अंदर, कितना छोटा छोटा क्रैब चला जा रहा है अंदर। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अब भी आएगा फिर से, वेव आएगा तो आएगा। एक मिनट देखो, कुछ ये वाला देखो, ये वाला अभी पानी आएगा, ये देखो फिर चलने देगा, चल के डूब गया। फ्रेश मच्छी उठा है अभी, देखते हैं चल के। बांगड़ो है, दोस्तों आप देख सकते हो एकदम फ्रेश फिश, फ्रेश फिश समुंदर से अभी पकड़ के लाए हैं ये लोग फिशरमैन लोग, और ऐसे नेट से छुरा छुरा के सेग्रीगेट करके बास्केट में डाल रहे हैं। भैया ये बांगड़ा है क्या? बांगड़ा अभी ये कहाँ जाएगा, मार्केट मारगांव फिश मार्केट जाएगा। कलर है अलग अलग। दोस्तों बांगड़ा बांगड़ा सुन के आपको कुछ याद आ रहा है हम लोग का वीडियो? दोस्तों ऐसा नजारा आपको शहरों में नहीं मिलेगा, ये ऐसा कोस्टल एरियाज में आपको देखने को पड़ेगा। और ये देखने लायक है कि एक साथ ये फिश ने पूरा नहीं निकाला, और इतना नहीं फिश पकड़ना जितना मेहनत का काम है। हाँ। ये फिश नेट से एक एक फिश को छुड़ाना भी उतना ही इक्वल मेहनत का काम है। देखिए कितना सारा लोग एक ही मीन्स एक जाल से फिश निकालने में कितना सारा लोग लगता है। ये सभी आज रात को जाएगा मारगांव मार्केट, मारगांव में दो फिश मार्केट। हाँ, है होलसेल मार्केट में, मारगांव होलसेल मार्केट में जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा और कल सवेरे तक ये आ जाएगा मारगांव। हाँ। रिटेल मार्केट में और हम लोग का घर में भी, हम लोग का घर में। कितना सुंदर नजारा, देखिए शाम का टाइम, सनसेट भी हो गया। अब क्राउड थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हाँ। क्राउड थोड़ा ज्यादा लग रहा है पहले से, अभी शाम का टाइम हो गया ना, और हम लोग खड़े एकदम शैक्स के सामने, तो शैक्स के लिए सामने आपको पीछे में दिखा देते हैं, इसलिए इतना भीड़ भी है इस साइड। अभी बहुत भीड़ हो रहा है क्योंकि रात के टाइम में। शैक एक्सप्लोर करोगे क्या? हाँ करेंगे, थोड़ा अभी घूम लेते हैं यहाँ पे, फिर शैक एक्सप्लोर करेंगे। बाप रे कितना सारा ट्रॉलर आया है, ट्रॉलर आया है। अभी बहुत बांगड़ो फिश उठ रहा है, बांगड़ा मैकरल। जी हाँ दोस्तों, ये वही बांगड़ा है जिसका विशाखा ने वीडियो बनाया, कटलेट। हाँ। जिसका ने जिसका फिश कचौड़ी का वीडियो है, कटलेट का वीडियो है। बहुत ही हेल्दी फिश है, बहुत बहुत हेल्दी फिश है। अशोर गुबलाई का दोस्त भी है, एक दिन लेके आएंगे अशोर गुबलाई को भी। मैं तो सोची थी शायद एक दो शैक्स होगा क्योंकि उतना जाना पहचाना बीच नहीं है, कुलवा जैसा बहुत पॉपुलर बीच है। नहीं नहीं, एक दो से ज्यादा शैक्स है, बहुत सारा शैक्स है, लेकिन देखो उस नहीं नहीं नहीं, बहुत सारा शैक्स अभी बंद भी है। दे विल स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम एंड ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। हां अभी जो जितना छोटा शैक्स है वो बंद है, बड़ा बड़ा शैक्स खुल गया है, खुल गया है। दोस्तों अंधेरा हो गया लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ, ये पूरा एरिया आपका पार्किंग एरिया, कितना बड़ा पार्किंग एरिया है। स्कूटी का अलग, गाड़ी का अलग, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए आपको या तो टू व्हीलर या फोर व्हीलर का हेल्प लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं आ सकते। और उस साइड है गोवा फैसिलिटेशन सेंटर, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। ये 5:30-6 बजे तक खुला रहता है शायद, उसके बाद बंद हो जाता है। तो कोई भी टूरिस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आसानी से आप वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरा जस्ट अपोजिट में है पी एन यूज टॉयलेट,
जो कि वेल मेंटेन टॉयलेट है एज वेल एज इट एक्ट्स एज अ चेंजिंग रूम एज वेल। आप समुंदर में नहा वहा के आके यहाँ पे आराम से शावर लेके चेंज कर सकते हैं, अपना कपड़ा पहन सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, ये पार्किंग लॉट से आपका सी बीच कितना 2 टू 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में, तो ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे जो शैक्स है वो लोग भी आपको प्रोवाइड करते हैं चेंजिंग फैसिलिटीज इनसाइड देयर शैक्स। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ठीक है, अगर आप शैक में जाके चेंज करना चाहते हैं आफ्टर अ बाथ तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट विद वन ऑफ द शैक्स। बट आई थिंक प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू आफ्टर वर्ड्स यू हैव टू सिट देयर एंड हैव समथिंग इन देयर प्लेस इन देयर रिस्पॉन्स। यहाँ पे अजीब है ना, मेनू कार्ड नहीं है, स्कैन करके स्कैन करके फोन में देखना पड़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे आओगे विदाउट स्मार्टफोन देन यू आर नॉट स्मार्ट इनफ बिकॉज दिस रेस्टोरेंट इज ओवर स्मार्ट। दिस पीपल दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज स्टिल इंडिया। एग्जैक्टली, जिंदगी में ये पहली बार मैं कोई शैक में आई हूँ। बीच शैक इन गोवा नहीं, लाइफ में भी पहली बार। और एक यूनिक चीज यहाँ पे है वो है कि दे डोंट हैव अ मेनू कार्ड। या दे डोंट हैव अ मेनू कार्ड, वी हैव टू स्कैन इट फ्रॉम देयर। इज अ क्यूआर कोड, देयर इज अ क्यूआर कोड, आई होप यू कैन सी, देयर इज अ क्यूआर कोड व्हिच यू हैव टू स्कैन विद योर फोन एंड यू गेट द मेनू कार्ड ऑन द फोन। सो फ्रेंड्स, दिस इज फिश फिंगर इन प्लेन एंड सिंपल टर्म्स इट्स फिश फिंगर। यहाँ पे ये बोलते हैं गोवन फिश फिंगर, दैट इज चौनक फिश का फिश फिंगर। तो यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे शेफ का खाना कैसा है। यहाँ पे डिप दिया है, यहाँ पे दे रही हूँ, नींबू भी है। हाँ, देने का तरीका बहुत अनोखा है। बास्केट जैसे फ्राई करते हैं ना वैसे बास्केट। अ बिट ऑफ सलाद, नाइस फिश। अच्छा, फॉर अ एपेटाइजर इट्स ओके। अब चिकन लॉलीपॉप ट्राई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है इसलिए, क्योंकि बाहर बैठे हैं उतना लाइट नहीं है। ये टार्टर सॉस है या मेयोनीज? मेयो है, मेयो है ना। चिकन लॉलीपॉप कैसे है? ओके ओके। तो फिश ही अच्छा है यहाँ पे, उतना टेस्ट नहीं है। लॉलीपॉप्स इन अदर रेस्टोरेंट्स आर मच बेटर, मच बेटर। देयर इज अ फ्रेश एंड वेरी रीसेंट मैंडेट दैट हैज कम आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड दैट इज शैक्स विल बी अलाउड टू ऑपरेट इन गोवा ओनली इफ दे अलोंग विद देयर नॉर्मल मेनू दे हैव टू सर्व द ट्रेडिशनल राइस एंड फिश करी। Now every shack is bound by this directive that no matter whatever food they are selling, along with that rice and fish curry is a must. Good. The traditional rice and fish curry. Mm-hmm. Not that good. Hmm. At least we didn't like the taste that much. यहाँ पे तो मेनू भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि स्कैन करके देखना पड़ता है मेनू। अच्छा हवा है। हवा बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, बेनौल बीच में बीच के साथ और एक क्विक स्नैक के साथ हम लोग का वीडियो आज यहीं पे होता है ख़त्म। बीच हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हाँ। जो अच्छा नहीं लगा वो है जो शैक में हम लोग गए थे, साधन डेक जिसका नाम है। ऑल दो इट वॉज अ रैंडम पिक, नो प्रायर चॉइस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द शैक्स आर स्टिल क्लोज नाउ, ओनली फ्यू आर ओपन एंड दे आर वेरी हाई हेडेड एट द मोमेंट। देयर बिहेवियर, सर्विस, एवरीथिंग इज वेरी बिलो द मार्क। एग्जैक्टली। फूड इज ऑल्सो नॉट दैट गुड That good? Okay, ठीक है। And service charge? And service है, okay. Now, जाने से पहले दोस्तों,
ये चीज आप पूरा वीडियो देखे चाहे ना देखे, ये चीज जरूर देखना और ध्यान में रखना। गोवा में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये सब बड़ा बड़ा जो कॉर्पोरेट रेस्टोरेंट है, कॉर्पोरेट चेंज ऑफ रेस्टोरेंट है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस बिल आपका खाने का बिल का नीचे एक सर्विस चार्ज ऐड कर रहे हैं, विच इज इलीगल एज पर द गवर्नमेंट लॉज इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि CGST IGST वो लोग ले रहे हैं, उसके बावजूद दे आर चार्जिंग अनदर सर्विस चार्ज विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय लॉ। तो एक रेस्टोरेंट में हम लोग ऐसे ही गलती कर दी है, बिना देखे पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो हम लोग खाए यहाँ पे भी सर्विस चार्ज लगा था, तो मैं डायरेक्टली बुला के बोला कि ये सर्विस चार्ज क्यों लगा था। पहले थोड़ा मामलिंग कर रहा था कि हाँ हम लोग तो लगाते हैं, ये है वो है, आई बोला इधर यू डिलीट इट और आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स। सो तुरंत लेके गया अंदर, बिल को चेंज करके वापस लेके आएगा। तो जो हम लोग का 1500 करीब बिल आया था वो एकदम से फटक से नीचे जाके 1300 हो गया। तो देख लीजिए, 200-250 रुपया सर्विस चार्ज में आपसे ज्यादा ले रहा था, जो सर्विस चार्ज का पैसा किसका पॉकेट में जाता किसी को पता नहीं। तो खैर, गोवा जब आइएगा, छोटा छोटा रेस्टोरेंट्स, छोटा छोटा आउटलेट्स, छोटा छोटा जो इटरीज है वो ट्राई कीजिएगा, मच बेटर है। अगर आप ये रेस्टोरेंट्स में आते भी है, कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट में जाता है, तो बिल जरूर एंड तक चेक करके फिर पेमेंट कीजिएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों लोगों से शेयर कीजिएगा और हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, आज यहीं तक मिलते हैं अगला ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।